The question is, we have to integrate the function which is integral 0 to pi by 2 cos square x dx. So let's see how we are going to integrate the given function. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार क्वेश्चन के डाटा पे एक बार नोट कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है वो आपके पास है 0 टू पाई बाय 2 दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स और डीएक्स के। अब देखिए आप एक आइडेंटिटी जानते हैं विच इज योर कॉस ऑफ 2x और ये आपके पास इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 के, या फिर आप इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 के। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 से। तो फाइनली ये क्वेश्चन आपका जनरेट हो जाता है इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 दैट इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन हमारे पास है 1 प्लस के कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। पहला पार्ट हमारे पास है 0 टू पाई बाई 2 दिस इज 1 बाई 2 डीएक्स, ये फर्स्ट पार्ट है, और सेकेंड पार्ट को भी हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल द लिमिट इज सेम 0 टू पाई बाई 2 एंड दिस इज कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 इनटू dx। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं फर्स्ट पार्ट को इंटीग्रेट करता हूं तो 1 बाई 2 आपके पास कॉन्स्टेंट डाटा है तो आप इसे सेपरेट कर सकते हैं और आपके पास क्वेश्चन बचता है 0 टू पाई बाई 2 dx, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड में से भी हमने कॉन्स्टेंट टर्म को सेपरेट कर लिया है और आपके पास है 0 टू पाई बाई 2 दिस इज कॉस 2x और dx के। ठीक है, इनकेस अगर हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मैं सिंपली dx को इंटीग्रेट करता हूँ तो इसकी जो वैल्यू है ये आपको x मिलेगी और इसकी लिमिट हमें सबमिट करनी है 0 से लेके पाई बाई 2, और सेकेंड वाले पार्ट में 1 बाई 2 आपका कॉन्स्टेंट है और ये जो कॉस 2x है इनकेस अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं सो यू आर हैविंग साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 एंड द लिमिट इज बिटवीन 0 टू पाई बाई 2। अब केवल इस फंक्शन में हमें लिमिट सबमिट करना बाकी रह गया है तो ये बन जाता है 1 बाई 2, और लिमिट सबमिट करने के लिए पहले आपको अपर लिमिट सबमिट करना होगा। तो x की प्लेस पे अगर मैं अपर लिमिट सबमिट करता हूँ तो ये बनेगा पाई बाई 2, और लोअर लिमिट अगर हम लोग सबमिट करते हैं तो ये बनता है 0। ऐसे ही सेकेंड टर्म में 1 बाई 2 है और आप चाहें तो ये 1 बाई 2 को भी सेपरेट कर सकते हैं, तो ये 1 बाई 2 और अब हम लोग लिमिट सबमिट करेंगे। तो सबसे पहले मैं पाई बाय टू सबमिट करूंगा तो साइन 2x में x की जगह अगर आप पाई बाय टू सबमिट करते हैं तो ये बनता है साइन पाई, और सेकेंड टर्म आपका बन जाएगा साइन 0। साइन पाई भी आपका 0 होता है और साइन 0 भी आपका 0 होता है, तो फाइनली जो सेकेंड टर्म है इसको कंप्लीटली आप 0 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो फाइनली द आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम इज पाई बाई 4।